कभी अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है? कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है कि प्रेम का मार्ग अमृत के समान हो। बिल्कुल, था इस मार्ग की विशेषता यह है कि प्रेम इसके अंदर झिझक कपट, मन लहू पर देहू छटाक नहीं, से कवि का अभिप्राय क्या है? मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक होता है, जबकि छटाक माप तौल से कम वजन का सूचक होता है। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? द्वितीय छंद बादल को संबोधित है, क्योंकि घनानंद अपना संदेश बादल से के माध्यम से भिजवाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, कवि का स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह बादल धारण करता है, क्योंकि समुद्र के खारे जल को अवशोषित कर अमृत के समान बनाकर लोगों के लिए बरसाता है। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? कभी अपने के को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वे आज भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पहले करते थे। यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग दो में संकलित अति सुधो स्नेह के मार्ग शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के रीतियुक्त कवि घनानंद जी हैं। व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से घनानंद जी सुजान हैं कि मेरे एक चीन भी नहीं। विशेष प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कहूँ मेरिये पीर यही परत है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग दो में संकलित शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के महान रीतियुक्त कवि घनानंद जी हैं। व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि बादल के माध्यम से अपने